तो लीजिए मैं पहुंच गया नोएडा के सेक्टर 112 में। ये सारा नोएडा अथॉरिटी का प्लॉट्स है। यहाँ पे एक भैया दिख रहा है, इस समय मैं पहुंच गया हूँ नोएडा के सेक्टर 112 में। ये जो लैंड आप देख रहे हैं ये पूरा अथॉरिटी का ही लैंड है। अब मैं आगे चल रहा हूँ और आप लोगों को पूरा लैंड दिखाऊंगा। ये सेक्टर 112 का है, ये नोएडा अथॉरिटी में आता है। ये देखिए सारे लैंड अभी खाली है, लोगों ने ले रखे हैं और बनवाया नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे बनवा के रह रहे हैं, तकरीबन 10-15% ये मान के चलिए यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये देखिए, अब मैं ये देखिए खाली है इस तरीके से। यहाँ पे अगर मैं रेट की बात करूं तो प्लॉट की जो साइज है तकरीबन ये मान के चलिए मिनिमम 70 से लेके 150 मीटर का है। उसका अगर रेट की बात करें तो 60,000 से लेके 65,000 रुपये प्रति मीटर है। और अगर 150 से लेके 250 मीटर की बात करें तो तकरीबन 45,000 से 65,000 रुपये मीटर है। और अगर 250 से 350 मीटर की हम बात करें तो 40,000 से 45,000 रुपये मीटर है। और अगर 350 से 410 मीटर की हम बात करें तो 40,000 से लेके 45,000 रुपये मीटर यहाँ पे चल रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने ये रेट और साइज सुना और आप लोगों ने इस वीडियो को देखा भी होगा, जाना पहचाना लग रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि ये वीडियो मैंने आज से 8 महीने पहले बनाया था। 8 महीने पहले जब मैंने इस वीडियो को शूट किया था तो उस समय यहाँ पर रेट यही चल रहे थे, लोकेशन एग्जैक्टली यही है। आज भी थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, बाकी लोकेशन वही है। मतलब कुछ डेवलपमेंट हो गए हैं, जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कुछ मकान, ये मकान हैं बन गए हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने हैं। यहाँ पे अभी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं। तो इस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और ये स्टार्टिंग का मेन रास्ता है ये। और देखिए ये भी किसी का प्लॉट होगा जो रीसेल में आज पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें अपने नज़दीकी डीलर से या जो मेरे पास नंबर है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये एग्जैक्टली लोकेशन अभी यही है। और मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो उस समय रेट कम थे, आज चेंज हो चुके हैं, क्योंकि 8 महीने पहले मैंने बनाया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को दोबारा ये वीडियो लेके आऊँ आप लोगों के बीच में और आप लोगों को एग्जैक्टली जो रेट चल रहा है तो अभी मैं आप लोगों को बता दूँ। इस समय जो यहाँ पर रेट चल रहे हैं मिनिमम 45,000 रुपये मीटर से लेके 80,000 रुपये मीटर तक पहुँच चुके हैं, जबकि उस समय ये रेट नहीं था। अभी 80,000 तक पहुँच चुके हैं। और साइज़ की बात करूँ तो यहाँ पे मिनिमम 50 मीटर तक के हैं और मैक्सिमम यहाँ पे 450 मीटर तक के प्लॉट के साइज़ हैं। आप यहाँ आएँ, देखें, अगर आपको पसंद आता है तो आप बात करके आप ले सकते हैं। ये सेक्टर की ज़मीन है, 5% किसानों वाली ज़मीन है ये, ठीक है। और ये जैसे कि आप ये अंकल जी को देख रहे हैं आप, ये जब मैं उस समय आ रहा था मेन रोड से, जब मैं आया अंदर इस सोसाइटी में, जब मैंने एंटर किया था तो मेरे दिमाग में आया कि चलो यार एक बार यहाँ के लोकल लोगों से बात किया जाए, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जाए कि यहाँ पे जो सोसाइटी है किस तरह की सोसाइटी है, डेवलपमेंट है कि नहीं है, कुछ यहाँ पे फ्रॉड्स तो नहीं हो रहे हैं। हाँ, जैसे कुछ लोग फ्रॉड कर देते हैं, तो ये सब जानने की मैं इनसे कोशिश कर रहा था। तो ये सामने जो मकान आप देख रहे हैं, ये गेट जो लगा हुआ है ये इन्हीं का मकान है। तो इनसे मैंने काफ़ी कुछ जानकारी ली थी, तो इनसे पता चला कि नहीं, ये सोसाइटी अच्छी है और काफ़ी अच्छे लोग यहाँ पे रह रहे हैं और अभी रीसेल में बहुत पड़ा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखने आएंगे तो आपको लग जाएगा कि यहाँ पे रीसेल में बहुत ऐसे प्लॉट हैं जो रीसेल अभी किए जा रहे हैं। तो आप आएंगे तो आपको सब कुछ पता चल ही जाएगा। और कनेक्टिविटी की बात अगर मैं करूँ तो यहाँ से जो नज़दीकी मेट्रो स्टेशन है वो है सेक्टर 76। वहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है 7.5 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। आपको इसके आसपास में काफ़ी हाई राइज सोसाइटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप ज़मीन लेंगे तो अपने हिसाब से आप बनवा के रह सकते हैं।
तो ये है वो सोसाइटी जिसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, तो आज मैं ये वीडियो लेके आया और आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को अब यहाँ से आगे अब दिखा दूँ। ये मैंने आप लोगों को दिखाया था, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। ये इस तरीके से प्लॉट आप लोगों को मिल जाएंगे, ये बड़े साइज़ के प्लॉट हैं, इस तरीके से रीसेल में आपको मिल जाएंगे। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियोस को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो ये अभी मैंने अंकल जी से बात कर ली है, इनसे काफ़ी मैंने मस्ती की थी, बहुत बातें हुई थी, बहुत सारी जानकारी मैंने ली थी और बहुत जेन्युइन तरीके से इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ये देखिए, ये मेन रोड है जो बाहर जाता है सेक्टर, क्या नाम है, मेट्रो स्टेशन के पास में जाएगा, सेक्टर 76, यही वो रोड है, ठीक है। और इस तरीके से ग्रीनरी एरिया आपको दिख जाएगा, मतलब पूरे रोड पे आपको पेड़ नज़र आ जाएंगे। तो चलिए अब हम चलेंगे, अब देखेंगे। ये देखिए मैं बाहर निकली, और बाहर निकलते ही ऐसे आपको दिख जाएगा, बिल्डिंग दिख जाएगा। और मैं अब बाहर ही निकल रहा हूँ, मैं बाहर का भी एक बार आप लोगों को लोकेशन दिखा दूँ। ये देखिए जैसे आप बाहर निकलेंगे तो ये रूट सीधा जाता है नोएडा सेक्टर 79 मेट्रो स्टेशन, यहाँ से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है ये रोड, आपका सीधा वहीं चला जाएगा। सेक्टर 112 का मैंने पूरा डिटेल्स आप लोगों को दे दिया है। अगर आप लोगों को इससे भी ज्यादा जानकारी लेनी है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा और सारे डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लूंगा, लेकिन विदा लेने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और भी अच्छे वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद।